नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, जिसमें काफी आज बुलिशनेस देखा गया, लगभग 2% की उछाल देखी गई है। सो इससे पहले भी मैंने कई वीडियो बनाया रिगार्डिंग वरुण बेवरेजेस, और दैट वीडियो हम लोग का सक्सेस रेट भी काफी अच्छा है। जो जो भी इस वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं उनके लिए है ये, दैट वरुण बेवरेजेस लिमिटेड करती क्या है। तो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड हैज बीन एसोसिएटेड विद पेप्सी, तो ये पेप्सी के साथ एसोसिएटेड है 1990 से, एंड की प्लेयर इन बेवरेज इंडस्ट्री है, एंड ये लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी होल्ड करती है पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में फॉर पेप्सिको। तो पेप्सिको की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी कौन है? तो दैट इज वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। कंपनी करती क्या है? तो कंपनी प्रोड्यूसेस एंड डिस्ट्रीब्यूट वाइड रेंज ऑफ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड पैकेज वाटर सोल्ड अंडर ट्रेडमार्क ओन बाय पेप्सिको। तो ये कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है एंड प्रोड्यूस करती है कार्बोनेटेड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। जो आप ब्रांड किसका रहता है? पेप्सी का रहता है। तो पेप्सिको में कौन कौन सा ब्रांड आता है? वी ऑल नो दैट। तो ये है आपका पेप्सी, सेवन अप, मिरिंडा ऑरेंज, माउंटेन ड्यू, ट्रॉपिकाना जूसेस एंड मिनिमूव। कंपनी का मार्केट कैप काफी बड़ी कंपनी है, 1,06,748 करोड़। करंट प्राइस 822 का है। कंपनी ने हाई बनाया था 874, लो है 393 का। स्टॉक का पी है 63.8, काफी हाई है थोड़ा। बुक वैल्यू 39.3, तो बुक वैल्यू से काफी ऊपर ट्रेड कर रही है, ये थोड़ा चिंता का विषय है। डिविडेंड 0.06%, आरओसी 27.8%, आरई 33.5%, और फेस वैल्यू कंपनी का है 5। ये कंपनी जो है एक मल्टी बैगर कंपनी है, काफी अच्छा रिटर्न काफी इन्वेस्टर्स को दे चुकी है, और कभी बहुत लोगों ने इनको होल्ड के करके भी रखा है, बिकॉज एक बहुत अच्छे ब्रांड के साथ ही एसोसिएटेड है। एंड प्लस एक गुड न्यूज भी है दैट दे आर गोइंग टू मूव अपना फ्रेंचाइजी साउथ अफ्रीका में भी ओपन करने वाली है। सो चलिए अब इसका टेक्निकल एस्पेक्ट को हम लोग चेक करते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड, वीबेल का चार्ट को देखते हैं। इसमें साफ आप एक पैटर्न को पहले क्रिएट हुआ था, लेकिन अब वो पैटर्न अब सस्टेन नहीं करेगा अगर ये ब्रेकआउट होता है तब। ओके, सो जब ये स्प्लिट हो रही थी, जब ये कंपनी का स्प्लिट हो रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न क्रिएट हुआ था, और डबल टॉप पैटर्न का जब क्रिएट हुआ था तो नेकलाइन जब ब्रेक हो रहा था, तभी मैंने आपको 2-3 बार वीडियो बनाया, और उसमें मैंने बताया कि काफी बड़ी गिरावट यहाँ देखी जा सकती है। तो वहां से काफी बड़ी गिरावट देख सकते हैं, लगभग 870 से लेकर के 700, अप्रोक्सीमेटली 750 तक का गिरावट दिखा गया था। और ये जो लाइन आप लास्ट देख रहे हैं 750 का, मैंने आपको ये लाइन जो है बहुत पहले का बना हुआ है, मैंने बताया हुआ था कि यहाँ पर एक गैप है, अगर इसका भी ब्रेकडाउन होगा तो फिर काफी नीचे का लेवल भी देखने को 700 तक जाने का ताकत रखता है, लेकिन उसने उसको रेस्पेक्ट किया और यहां से देख सकते हैं काफी अच्छा मूव ऊपर की ओर आ गया है। ओके, अभी एक पैटर्न जो क्रिएट हुआ था, मैंने लास्ट टाइम बताया था, दिस वॉज शोल्डर, दिस वॉज हेड, एंड दिस वॉज अ कंप्लीट शोल्डर पैटर्न था। ओके, मैंने बोला बोला था हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हो रहा है, इसका काफी नीचे का रेट आ सकता है, लेकिन अभी क्या हुआ, जैसे बताया इस जगह से इसको सपोर्ट में इसको रेस्पेक्ट मिला, बाउंस बाइंग यहाँ पर बाइंग हुई, और काफी ऊपर की मूव यहाँ पर देखने को मिल चुका है। एक और चीज बताना चाहूंगा जो इम्पोर्टेंट है, दैट दिस रेट, ये जो रेट है ना 828 रुपए, 828 नहीं 830, 830 का रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसके ऊपर ये जाएगा तो काफी बुलिश हो जाएगा ये रेट, काफी बुलिश जाएगी ये शेयर। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि जो नाइन, ये अभी जब भी सपोर्ट ले रहा है तो ये आपका 9 डे मूविंग एवरेज जो कि 800 रुपए का रेट है उसको सपोर्ट रेस्पेक्ट दे रहा है। यहाँ पर सपोर्ट उसको अच्छी खासी मिल रही है, देख सकते हैं 2 कैंडल का क्लोजिंग जो रहता है 800 के पास ही आया था। उसके बाद अभी जो है दैट इज 808 रुपए जो है, दैट इज 20 या 21 डेज मूविंग एवरेज का रेट आता है, वहां भी अब ये फर्स्ट कैंडल जो है आज का दिन का, इसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। अगर ये 808 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है तो काफी बुलिश हो जाएगा, और इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो रहेगा 830 को क्रॉस करना, 830 के बाद तुरंत में इसको एक हर्डल आने वाली 840। ये 840 जिस दिन क्रॉस कर जाएगा और यहाँ पर एक डेली क्लोजिंग हो जाएगा, उसके बाद जो रहता है जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो ब्रेकडाउन था वो खत्म हो जाएगा। ओके, और फिर ये बुलिश मोड में चला जाएगा, ये इंपॉर्टेंट अपडेट है आज के लिए। ओके, सो अभी काफी अच्छा मोमेंट है। और दूसरा चीज, और एक चीज दिखाना चाहूंगा मैं आपको, जो कि यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। ओके, मैं यहाँ से ड्रॉइंग कर रहा हूं। ओके, ये देख सकते हैं। ओके, सो ये चैनल के अंदर में था, ये एक चैनल के अंदर में मूवमेंट इसकी हो रही थी, आप देख सकते हैं यहाँ से आया, इस लाइन जो रहता है जो नीचे का जो रेसिस्टेंस सपोर्ट है, इसमें सपोर्ट लिया, फिर ये बाउंस बैक मिला, यहाँ पर इसको रेसिस्टेंस मिला, रेसिस्टेंस मिला, देख सकते हैं फिर से यहाँ पर ये रेसिस्टेंस लाइन का काम कर रहा था,
और फिर नीचे आया, सपोर्ट मिला। अभी ये जो लाइन जो था दैट इज क्लोज टू अराउंड 805 807 का जो लेवल था, इस रेजिस्टेंस को इसने पैरेलल जो चैनल था उसको ब्रेकआउट दिया है और ऑलमोस्ट लगभग 3 कैंडल का क्लोजिंग इस चैनल के ऊपर में आ गया है। तो एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है, एक बुलिश मोड में स्टार्ट हो रहा है। बस इसे 830 और 840 का लेवल को क्रॉस करना होगा तभी काफी बुलिश हो जाएगा। ओके, ये मैंने बता दिया। और इसके लिए अल्टीमेट जब स्टॉप लॉस जो होगा दैट वुड बी 800 रुपीज इसका स्टॉप लॉस है, और ये फर्स्ट लेवल ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा स्टॉप लॉस जो आता है इसके लिए आता है दैट इज 770 रुपए एंड देन 750 रुपए। 750 सबसे अहम सपोर्ट लेवल है नीचे की ओर, जो जो मुझे नहीं लगता कि अभी इसको नीचे जाना चाहिए बिकॉज एवरीथिंग इज पॉजिटिव नाउ। बस अभी रिजल्ट का समय आ रहा है, रिजल्ट अच्छा आ जाएगा तो फिर अच्छी खासी ऊपर की मूव या फिर अच्छा खासा नीचे का मूव भी देखने को मिल सकता है। बस याद रखिएगा 830 एक रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो 840 का रेसिस्टेंस आएगा। इस रेसिस्टेंस को अगर ये क्रॉस कर लेता है तो फिर काफी बड़ी मूव ऊपर की ओर देखने को मिल सकती है। सो वीबीएल थोड़ा सा भी बुलिश हो रहा है, दैट्स अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आलोक राय साइनिंग ऑफ। थैंक यू।